प्रोटीन खाने से कौन कौन से नुकसान होते हैं वो आज मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। अगर आपको ऐसी वीडियो पसंद होती है तो चैनल को हमारे सब्सक्राइब कीजिएगा। ऐसी बहुत अच्छी ट्रिक्स हम आपके लिए हर दो दिन में रात को 9 बजे वीडियो के माध्यम से बताते हैं, तो बने रहिए हमारे वीडियो के साथ, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। वीडियो अच्छी अगर लगे तो उसमें लाइक भी कर दीजिएगा। अगर आप जिम में वर्कआउट करते हैं तो यकीनन प्रोटीन पाउडर के बारे में जानते होंगे। वैसे इन दिनों बॉडी और मसल्स बनाने के शौकीन कई लोग प्रोटीन सप्लीमेंट के लिए प्रोटीन पाउडर का इस्तेमाल करते हैं। अगर आप भी मसल्स बिल्ड करने के लिए प्रोटीन पाउडर लेते हैं तो जान लीजिए इसके 5 साइड इफ़ेक्ट। पहला, वर्कआउट के बाद प्रोटीन पाउडर लेने से इंसुलिन में बढ़ोतरी होती है। इस तरह नियमित रूप से इंसुलिन में होने वाली यह बढ़ोतरी आगे जाकर सेहत को नुकसान पहुंचाती है। दूसरा, वे प्रोटीन सबसे ज़्यादा सामान्य प्रोटीन है जिसे अधिकांश लोग लेते हैं। आमतौर पर इसे जिम के वर्कआउट करने वाले लोग और बॉडी बिल्डर लेते हैं। ये मसल्स बनाने में तो सहायक होता है, लेकिन इसे जिस प्रकार से तैयार किया जाता है वो शरीर को नुकसान ज़्यादा पहुँचाता है। तीसरा है, वे प्रोटीन जैसे पाउडर्स में कई तरह के हार्मोन्स और बायोएक्टिव पेप्टिड्स होते हैं, जिन्हें लेने पर सीबम निर्माण बढ़ जाता है। कई अध्ययनों में पाया गया है कि प्रोटीन सप्लीमेंट लेने से मुहासों की समस्या भी बढ़ जाती है। प्रोटीन पाउडर लेने से शरीर में न्यूट्रिशन का असंतुलन होता है। प्राकृतिक प्रोटीन जैसे अंडे, दूध और मीट लेने से ऐसा होने की संभावना कम होती है। और वैसे कहा भी जाता है कि मीट नहीं लेना चाहिए, उससे स्वास्थ्य खराब होता है, सही नहीं होता। कई कंपनियों के प्रोटीन पाउडर में विषाक्त पदार्थ होते हैं जो शरीर के लिए नुकसानदायक होते हैं, और उन्हें लेने से सर दर्द, फैटिग्यू, कब्ज और मांसपेशियों में दर्द की शिकायत होती है। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा। ऐसी वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। और ये रहे उन लोगों के नाम उनके कमेंट के साथ जो पिछली वीडियो में हमारे वीडियो में एक प्यारा सा कमेंट किए थे। धन्यवाद।